धन्य था। अगर बेटियों का हमने सम्मान किया तो ये ताकत और ये ऊर्जा सबको मिल सकती है, उसने माता पिता भी और बेटे भी बेटियों का आदर करें, बेटियों का आदर करें। देखने की दृष्टि हमारी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि बिना बेटियों के ये सृष्टि नहीं चल सकती। हम बेटियों की इज्जत करें, मान सम्मान करें। मैं अपने बच्चों से खुल के कह रहा हूं, मेरा मन कई बार दर्द से भरता है, पीड़ा से भरता है, जब मैं बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखता हूं। नवरात्रि बेटियों की पूजा है, शक्ति की पूजा है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सप्ता सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। लेकिन इस आधुनिक समाज में जब से हमने पश्चिम का अंधानकरण करना प्रारंभ किया है, मुझे लगता है बेटियों की तरफ देखने की दृष्टि बदली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से अपील की है कि वह महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करें, उन्हें मान दें, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो उस बात का विरोध भी करें। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या युवाओं की भी यही सोच है, क्या महिलाओं और लड़कियों के सम्मान के लिए वो आवाज बुलंद करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो मैं पहले तो उसे समझाऊंगी, और अगर वो ना समझे तो अपने फैमिली मेंबर्स को बताऊंगी। लड़कों को तो ये बोलना चाहिए कि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और लड़कियों की डिग्निटी, उनकी भी रिस्पेक्ट, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आगे चल के आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और लड़कियों के लिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या छेड़ता है तो आप उसका अपोज करिए, अगर आप उसको हंस के टाल देंगी तो वो और चीज़ करेगा, अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगी तो आगे वो चीज़ नहीं होगी। घर में बच्चों को वैसा मोरल आजकल सिखाया नहीं जाता, पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होते, वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को क्या है, कुछ भी अपना है तो वो जाओ बाहर कर लो, कुछ भी दे दिया कर लो बाहर। घर में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को टाइम दे और उनको बताए कि लड़कियों के प्रति कैसा उसका नज़रिया होना चाहिए, कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एज अ फ्रेंड कैसे बिहेव करना चाहिए, एज अ क्लासमेट कैसे करना चाहिए। अगर उनका मन है आपसे बात करने का तभी आप उनसे बात करें, ना कि आप फोर्सफुली जाके बात कर रहे हैं या हाथ हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें गलत है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट ये सब चीज़ें, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप वो भी किसी ना किसी की बहन होगी, आप अपनी बहन को कोई छेड़ेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा ही। अगर आप किसी लड़की आप वो मना कर रही है, आप तब भी फोर्स कर रहे हो उसे, तो ये गलत है। कोई आपको बहन को फोर्स करेगा तो आपको बुरा लगेगा ही, तो आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करो ना जैसे आप अपने चाहते हो अपनी बहन का हस्बैंड ट्रीट करे उसे। तो अगली बार यदि हम किसी लड़की या किसी महिला को छेड़े तो हम ये सोच लें कि हमारी इस हरकत का शिकार हमारी माँ या बहन भी हो सकती है, शायद उस समय हमारे कदम उनके सम्मान में उठेंगे। इंडिया फर्स्ट उन सभी नौजवानों के साथ है जो मातृशक्ति को सम्मान देता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।